हेलो एवरीवन। तो चलिए आज बनाते हैं ज्वार का बहुत ही हेल्दी प्रोटीन फाइबर रिच डोसा। ज्वार को एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस ग्रेन माना जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर होता है, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ में ग्लूटेन फ्री भी होता है, जिसको ग्लूटेन से एलर्जी होती है तो आराम से अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं और वेट भी काफ़ी हद तक इससे कम किया जा सकता है अगर मॉडरेशन में खाएं तो। यहाँ पे ज्वार के साथ में थोड़ी मूंग की दाल, उड़द की दाल और चावल का इस्तेमाल करा है। उड़द की दाल डालने से काफ़ी क्रिस्पी डोसा बनके रेडी होता है। सारी चीज़ों को भीगने के लिए रखेंगे कम से कम 8 घंटे के लिए, क्योंकि मूंग की दाल है ना बहुत हद टाइम लगता है इसको भीगने में। और फिर 3 से 4 बार धो लेना है और इसका हमें बैटर बना के रेडी करना है। थोड़ा सा दरदरा हमने इसको पीसा है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे पीस लेंगे। और पानी बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है ना तो बैटर बहुत लिक्विड हो जाने पर डोसा काफ़ी सॉफ्ट से बन के रेडी होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और वापस इसको हमने फर्मेंट करने के लिए रखा है और गर्मी के मौसम में 6 घंटे में बहुत जल्दी से एक्चुअली फर्मेंट हो जाता है। तो इसको आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने इसको फ्रिज में रख दिया क्योंकि काफ़ी सारा बैटर आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसको फिर आराम से अप पे डोसा जो भी चाहें इसे बना के रेडी कर सकते हैं। हो चुकी है साथ में बना रहे हैं डोसे के साथ खाने के लिए सांभर जैसे सब्जी आप मान सकते हैं, एकदम सांभर नहीं कह सकते इसको। साथ में हमने लिया थोड़ा सा हंकड़, इलायची पाउडर इसमें ऐड करा है, केसर वाला दूध, 1 आम का प्यूरे डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है और चीनी आप नहीं खा सकते या फिर नहीं खाना पसंद है तो आप इसको आराम से अपने खाने के बाद में इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी भी लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम सलाद बना रहे हैं अंकुरित मूंग की दाल का इस्तेमाल करके। उसमें ऐड कर दिया खीरा, प्याज, टमाटर, थोड़ा सा पत्ता गोभी का पिकल, इसकी रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं, और नींबू, काली मिर्च का पाउडर, नमक, सारी चीज़ें। अब चलिए बना लेते हैं बहुत ही क्रिस्पी सा डोसा। और यहाँ पे तवा हमने इसका टेम्परेचर बिल्कुल मतलब जितना होना चाहिए उतना कर लिया है, पानी की छींटे वगैरह डाल के, क्योंकि बहुत तवा जब गर्म होता है तब भी डोसा अच्छा नहीं बनता है। और हमारा जो सांभर वाली सब्जी है आप मान सकते हैं उसे, वो रेडी हो चुकी है। उसको तड़का लगाना है उसमें बस, और बस सर्व करेंगे सारा का सारा खाना, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेल वगैरह हमने इस्तेमाल नहीं करा है। सांभर जो हमने बनाया ना उसके अंदर पोड़ी मसाला हमने ऐड कर दिया, सांभर मसाला मार्केट का नहीं ऐड करा है। और बस डोसा भी रेडी हो चुका है, इसको सर्व करेंगे, जो कि खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी रहता है। आज हमारा दोपहर का यही खाना था जो कि बहुत ज़्यादा कम तेल मसाले में बना हुआ, काफ़ी हेल्दी टेस्टी। अगर अपना वज़न कम करना चाहते हैं ना उसके लिए भी आप स्वीट डिश खाना खाने के बाद कुछ खाने का मन करे तो इस तरीके से बना सकते हैं, जो कि इसके अंदर चीनी हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करी है। और इस तरीके से ना ज्वार को भिगो के बनाने से काफ़ी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। इसको बस फ्रिज में आप इसे बैटर को बना के रख लीजिए और जब भी आपको खाने का मन हो आप मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम बना सकते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।